तेजस्वी जिंदाबाद 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 नालोनी तेज जिंदाबाद 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 सुभाष जिंदाबाद 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 सुभाष जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आरती बाला आपके साथ। आरजेडी नेताओं को तो वैसे आपने कई बार अलग अलग अंदाज में देखा होगा, वहीं आज तेजस्वी यादव को बधाई देने एक ऐसे नेताजी पहुंचे जो अब चर्चाओं का विषय बन गए हैं। दरअसल नेताजी अपनी भैंस को सजाकर सवार कर जब रास्ते में निकले तो सभी लोग उनकी ओर आकर्षित नजर आए। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। तेजस्वी जिंदाबाद 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 नालोनी तेज जिंदाबाद 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 सुभाष जिंदाबाद 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 सुभाष जिंदाबाद जिंदाबाद। भैंस वाले नेता के नाम से हम पॉपुलर हैं। आज से दो महीना पहले अग्निवीर वाले मुद्दे पर डाक बंगला भैंस लेकर के पहुंचे थे, भैंस लेकर प्रोटेस्ट किया था। माननीय तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को बधाई देने के लिए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के शुभकामना देने के लिए आए। हम तो आए हैं हाजीपुर से और हमारे समर्थक लोग आए हुए हैं सब हाजीपुर से। 2015 और 2020 दोनों विधानसभा हम चुनाव लड़े हैं। अब मिलकर क्या मांग करेंगे, क्या है कुछ? लोकसभा लड़ाया जाए, विधानसभा 2024 लोकसभा वैशाली से टिकट दिया जाए, 2025 में विधानसभा लड़ाया जाए। क्या नाम हुआ? सुभाष चंद्र राय और सुभाष गोपुर प्रत्याशी हाजीपुर विधानसभा, वरिष्ठ राजद नेता। तेजस्वी यादव के आवाज पर आरजेडी का एक समर्थक अपने समर्थकों के साथ भैंस लेकर मिलने पहुंचा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से वही राजद समर्थक सुभाष चंद्र राय उर्फ सुभाष गोप ने मीडिया को बताया कि मैं अपने समर्थक के साथ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को बधाई देने आया हूं। वहीं राजद समर्थक सुभाष गोप ने मीडिया को यह भी बताया कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो मैं हाजीपुर वैशाली से चुनाव लड़ूंगा। तो देखा आपने, इस दौरान टिकट मिलने के बाद नेताजी ये कहते नजर आए हैं कि वो वैशाली से चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि इनकी भैंस जो है वो अब चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से ये भैंस को सजाकर सवार कर तेजस्वी यादव के पास मिलने पहुंचे, वहीं रास्ते में कई ऐसे लोग भी मिले जो इनकी भैंस को देखकर काफी तरह की बातें करते नजर आए। हालांकि ये नई बात नहीं है जब आरजेडी के समर्थक कुछ इस तरह के नए नए तरकीब अपनाते, ऐसे में जो भी नेता हैं उनसे मिलने पहुंचते हैं और इस तरह के नए नए तरकीब अपनाते हैं जो अपने आप चर्चाओं का विषय बन जाती है और इस तरह के नजारे देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल कुछ ऐसा ही दिखा जब नेताजी अपनी भैंस को लेकर पहुंचे।